क्या हाल चाल है आपके। तो गाइस ये मेरी वीडियो है TVS Jupiter की ओनरशिप रिव्यू की, और आप मेरी TVS Jupiter के मीटर पर देख सकते हैं कि ये अराउंड 25,000 प्लस चल चुकी है, 26 होने वाले हैं। और ये मैंने काफ़ी बुरे तरीके से चलाई है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो टफ रोड्स पे और मनाली भी होके आ चुकी है ये, तो मैं आपको इन सबको मिला के इस रिव्यू में बात करूंगा और आपको साथ बताऊंगा इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो गाइस वीडियो पूरी एंड तक देखना, जो जैसे चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना ना भूलना। तो गाइस ये TVS Jupiter ऑलमोस्ट मैंने ही चलाई है जितनी भी चली है, और जो इसका एक्सेलरेशन है वो मुझे काफ़ी प्यारा लगता है, इसका बहुत तेज है एज कम्पेयर टू डैट वन अभी गई है एक्टिवा, और उससे काफ़ी तेज है इसका। और ये और पावर वाला फीचर है, ये भी काफ़ी बढ़िया है, इससे आपको पता लग जाता है कि आपकी एवरेज कितने को मिलने वाली है, आपको थोड़ा रफ आइडिया हो जाता है आपको। और ये मैंने अराउंड 60 किलोमीटर पे भी इको पे चला रखी है, वो कुछ कंडीशंस होती हैं कि हवा का फ्लो आपके अगेंस्ट ना हो तो 60 तक चली जाती है इको पे। और गाइस अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन गाइस थोड़ा सा इसका स्टिफ है, फ्रंट बैक दोनों ही, अगर सिंगल राइडर चला रहा है तो, क्योंकि ये सिटी में चलाने के हिसाब से बनी हुई है, तो इसका थोड़ा स्टिफर है सस्पेंशन फ्रंट और बैक, जैसा कि आप महसूस कर सकते हैं अभी वीडियो में। अगर पीछे कोई आपके साथ बैठा है तो बैक वाला थोड़ा, बैक सस्पेंशन की थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। और ये इसके मिरर्स हैं, मिरर्स गाइस थोड़ा व्यू मुझे कम लगा इनका, क्योंकि वाइड व्यू नहीं है इनका इतना खास, ये थोड़ा सिटी टाइप है। मैं इसे हाईवे पे भी चलाता हूँ तो वहाँ पे मिरर्स मुझे इतने शानदार बढ़िया नहीं लगे। और जो इसकी टॉप स्पीड मैंने लगाई है वो 80 तक लगाई है, 80 के आगे जाती ही नहीं है, चाहे पूरी रेस दे दो आप 80 के आगे इसने नहीं आना। और गाइस जो थर्ड चीज़ है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग गाइस मुझे इसकी काफ़ी बढ़िया लगती है, मैंने 60 पे भी इसकी एक बार ब्रेक मारी थी अचानक से, तो स्कूटी स्लिप नहीं मारी, बिल्कुल चलती रही, सीधी सीधी जाके रुकी। अगर कभी कभार इनके हिसाब के टायरों में कीचड़ वगैरह लगा हुआ है तो स्कूटी स्लिप मार सकती है TVS Jupiter, वैसे मेरी तो नहीं मारी थी। और आगे और फ्रंट और बैक में हमें दोनों ड्रम देखने को मिलते हैं, तब भी इसकी परफॉर्मेंस ब्रेकिंग की काफ़ी अच्छी है, वो जब आप इसे चलाओगे तो आपको काफ़ी बढ़िया फील होगा। और जो फोर्थ चीज़ है जिसकी वजह से TVS Jupiter काफ़ी सेल हुई और इसने जगह बना ली अपनी मार्केट में, वो है इसकी राइड क्वालिटी। जो इसकी राइड क्वालिटी है गाइस वो बहुत ही स्मूथ है, जो इसका एक्सेलरेशन है रेस है बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बिल्कुल भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज रेस देते हो वैसे एज कम्पेयर टू एक्टिवा तो काफ़ी साइल काफ़ी कम वाइब्रेशंस आपको महसूस होंगी, तो ये एक प्लस पॉइंट है और काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे। गाइस जो मुझे इसके कॉन्स लगे वो ये हैं कि एक तो एक्चुअली इसके नहीं सभी स्कूटी के कॉन्स यही हैं, सबसे पहला कि व्हील्स छोटे हैं, गड्ढों में बचती है जाके, सभी स्कूटियों का यही हिसाब किताब है। फ्यूल टैंक छोटा है, अगर आप हाईवे पे कहीं लेके जाते हैं इसको तो आपको बार बार रिफिल कराना पड़ेगा कुछ किलोमीटर्स के बाद ही, तो वो हर स्कूटी का ही डिसएडवांटेज है। और गाइस इतनी चलाने के बाद मुझे इसमें इतना कोई तगड़ा इशू देखने को नहीं मिला, जो इसकी अगली शो है वो ही कभी कभार थोड़ी लूज़ हो जाती है तो आवाज़ करने लग पड़ती है, आपको रेगुलर टाइट करानी पड़ेगी।
और एक प्रॉब्लम इसके पीछे आई थी किक में कुछ आवाज़ सी आती थी, तो वो मैंने ठीक करा ली थी वारंटी में, तो एक वो मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली। और कुछ खास ऐसी कोई बहुत तगड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली मुझे अब तक। और ये आप आवाज़ सुन सकते हैं जो आगे से आ रही है, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था, जो आपको टाइट कराना पड़ा करेगा रेगुलर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अभी तक मुझे तो कोई प्रॉब्लम ऐसी कोई बड़ी देखने को नहीं मिली। मैं काफ़ी चलाता हूँ इसको और रेगुलर ही चलाता हूँ, 30-40 किलोमीटर्स एक दिन में, तो कुछ इतना प्रॉब्लम लगती नहीं मुझे इसके अंदर। काफ़ी स्मूथ है, कंफर्टेबल है, बाकी स्कूटर्स को अगर हम कंपेयर करें इसके साथ तो ये काफ़ी अच्छी है उनसे। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो यार फट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना भाइयों, और वीडियो अच्छी लगती है जो शेयर करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन के लिए बाय बाय।